पूजा नहीं है तो यहाँ पे बतूर। ये गजरा तुम्हारे लिए, इधर एड़त को साडू साहब कैसे हैं? हमारे साडू साहब जरा लेट लतीफ हैं। सोके बड़े लोग हैं, वक्त का पता नहीं चलता, जरूर बिजी होंगे हैं। तो हाल ही में कुछ कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोने पड़ गए ना, सो ऑफिस में जरा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तेरे बस की बात नहीं, लेकिन अपनी औकात नहीं। अगर इनके घर की पूजा खराब हुई है तो मैं तेरी सारी जिंदगी खराब करके रख दूंगा। तो कितना भी शरीफ बन जा शोक करना, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। तू बस देखता जा मैं क्या करती। भाई अशोक को यहां बुलाना जरूरी है। रमन, बेटा मीका भी तुम्हारे घर की बेटी है ना, इसलिए प्लीज। चलो प्रसादम रेडी है, जल्दी आ जाओ। चलिए आप खाने के लिए बुला रहे। एक मिनट अब, एक मिनट। ये आपका बेस्टी। थैंक यू। अपा आपने फिर से शॉपिंग नहीं की ना, फिर देखो आपकी वही दाग लगी पुरानी शर्ट पहनी है। बेटा फेस्टिवल्स तो आते रहते हैं और हर बार वही व्हाइट शर्ट व्हाइट बेस्टी। रामन तुम्हारे आपा को ब्रांड न्यू बीमारी हो गया है, कंजूसी का। चलो इस ओल्ड एज में कोई तो बीमारी हुई। बस अभी नहीं। थोड़ा सा और अशोक, इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया तुम मना कर रहे हो, तड़का मार के बनाया, चलो मना मत करो। चिकन नहीं चाहिए, थोड़ा सा नहीं। अच्छा लगा ना? क्या ये? मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपने हस्बैंड की टेस्ट बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है ना अशोक? इतना स्पाइसी कम है क्या? थोड़ा सा और डालो। नहीं नहीं बैठो बैठो, सो गए। अच्छा
सुनो ना अशोक, हमारे यहाँ सांबार ऐसे नहीं खाते, तुम्हें ना एक कटोरी पूरी खानी होगी प्लीज, ना पहले माँ को बहुत बुरा लगेगा प्लीज। कम ऑन जान लेके रहोगी यार तुम मेरी, इट्स वेरी स्पाइसी। देखो अशोक, इस हालत में ना तुम मुझे अपसेट नहीं कर सकते, वरना फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर से रिपोर्ट, फिर से टेस्ट। नहीं नहीं खाता हूँ, I'll have your yummy sambar कटोरी से। क्या हुआ? नहीं नहीं, it was really yummy. इससे अच्छा yummy food तो मैंने खाया नहीं कभी। Thank you husband. हाँ। अच्छा अब मैं जरा बाहर जाऊँ। I need some fresh air. क्यों? क्या हुआ? Are you okay? नहीं नहीं, I'm okay. जैसे मैंने बोला, इससे अच्छा खाना तो मिल ही नहीं सकता ना। I just want some fresh air, that's all. Yeah? Thank you. कमीनी बीवी पाई है मैंने, पेट चला दिया यार, मर रहा हूं यार। वैसे रमन की बहुत सुलगी आज मुझे देख के, शक्ल देखने वाली थी उसकी। बाद में फोन करता हूँ। मिस्टर अरोड़ा, जरा हमसे भी बात कर लो। एक्सक्यूज मी, टॉकिंग टू मी? जी हाँ, आप ही से बात कर रहे हैं, आइए तो सही, बात करेंगे। बोलो अशोक, क्या बात कर रहे हो? साला बाप बनने वाला है, पर एटीट्यूड देखो। Congratulations. किस बात के लिए? अरे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, प्रमोशन मिल रहा है तुम्हें, बड़े हो रहे हो तुम, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है। नहीं शायद इसे मेरे जॉब के प्रमोशन के बारे में पता चल गया। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सो इट्स ओके। तुम्हें पता है, मुझे पता है, तो फिर काफी। वैसे जब पता चला होगा तो धरती तले जमीन तो खिसक गई होगी तुम्हारी। अशोक, आई मीन मेरी भी। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। ऐसी चीजों के साथ बस रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ती, जिम्मेदारियां बढ़ती, नथिंग एल्स। हाँ वो तो है, वैसे काफी जिम्मेदार टाइप के आदमी हो तुम, जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी मेरे दोस्त। But I'm happy for you. Thank you, अशोक. And frankly speaking, मुझे लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। क्या बक रहे हो मुझे भी समझ नहीं आ रही, बट आई गेस यू शुड कैरी ऑन, मुझे जाना। ओके okay.